गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज मैं आपको महात्मा बुद्ध जी की जयंती के बारे में बताऊंगी। बुद्ध जयंती संपूर्ण हिंदू और बौद्ध अनुयायी मनाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था और जीवन में अपने कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान भी पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ और इनका महापरिनिर्वाण जो था वो भी अर्थात मोक्ष भी इनको पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बच्चों इनका बुद्ध का जीवन काल जो था वो था 563 से लेकर के 483, ये इनके जीवन का मध्य काल था और इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 80 साल पूरा करने के बाद। बच्चों हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म अन्य देश के लोग भी मनाते हैं और बुद्ध जी की जो जयंती है वो बड़े स्तर पर मनाते हैं। थाईलैंड, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों के लोग भी महात्मा बुद्ध की जयंती को बहुत ही उत्सव के साथ मनाते हैं। बिहार में बोधगया नामक एक स्थान है जो हिंदुओं का भी तीर्थ स्थल है और बौद्ध के अनुयायियों का भी तीर्थ स्थल है। कुशीनगर में एक माह तक मेला लगता है कुशीनगर में। और श्रीलंका में बैसाख नाम से उत्सव मनाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है बच्चों बैसाख नाम का, और इस दिन अपने घरों को खूब सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं लोग और महात्मा बुद्ध की जयंती मनाते हैं। बच्चों महात्मा बुद्ध की जयंती लोग मनाते हैं और इन्होंने जन्म तो लिया था सारनाथ में और शिक्षा भी अपना प्रथम उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में ही दिया था और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सत्य से परिचय हुआ था। बच्चों हिंदू धर्म के अनुयायी कुछ लोग इनको विष्णु जी का नौवां अवतार मानते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने घरों में इनकी जयंती मनाते हैं, परंतु दक्षिण भारत के कुछ अनुयायी इसको नहीं मानते। वे कृष्ण को नौवां अवतार मानते हैं और आठवां अवतार विष्णु जी का बलराम को मानते हैं। लेकिन बच्चों महात्मा बुद्ध को जानने वाले लोग, महात्मा बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने वाले लोग पूरे संसार में इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज भी बुद्ध जी के उपदेशों का हम पालन करते हैं और उनके उपदेशों के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने महात्मा बुद्ध जी के बारे में सुना। फिर मैं अन्य महान हस्तियों के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।